नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने आउटस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म एग्जामपुर टीचिंग स्कूल पर। मैं वासुदेव द्विवेदी आप सभी का एग्जामपुर परिवार पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, एक बार आप सभी लाइव आ जाएं और लाइव आकर के कमेंट बॉक्स में बता दें कौन कौन लाइव आ चुका है। साथ में बच्चों, आप सभी सेशन को शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोगों से कहा था जो होमवर्क का आपका प्रश्न होता है उसे आप लोगों को कहाँ पर सॉल्व करना होता है, तो मैंने पहले ही बताया था उसका उत्तर आपको ऑफलाइन कमेंट में आकर के देना होता है। अभी पिछली क्लास में मैंने देखा कि आप लोगों के कमेंट की संख्या क्या थी, कम थी। थोड़ा सा कमेंट की संख्या बढ़ाइए, वहां पर क्लासेस आपको कैसी लग रही है ये बात भी बताइए। और साथ में आपको ये भी बताना है कि जो मैंने होमवर्क दिया है उसका आंसर भी करना है, क्योंकि आपके बताने के अनुसार ही मैं क्या करूंगा, आपकी क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। और उम्मीद करूंगा कि आप लोग स्वस्थ हैं और मस्त हैं और साथ में होली के रंग में रंगने वाले हैं। तो होली है और आप लोग होली के लिए मौज के साथ अच्छे से मनाइएगा, लेकिन सुरक्षित रह करके मनाइएगा। फिर हम अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं, चलते अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जैसा कि आप लोग कर रहे थे। तो आ जाइए, पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, जल्दी से आकर के उत्तर दीजिएगा। भारत में मोनोजाइट, आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा, आपसे पूछा जा रहा कि भारत में मोनोजाइट पाया जाता है। एक्चुअली आपको सबसे पहली बात मालूम होनी चाहिए कि मोनोजाइट है क्या, ठीक है। सबसे पहला क्या आपका मोनोजाइट कहां पर पाया जाता है ये तो प्रश्न है, लेकिन है क्या ये तो आपका ये परमाणु, हम कह सकते हैं परमाणविक खनिज है आपका, विक आपका क्या हो जाता है तो खनिज आपका कहा जाता है, इसे आप क्या कहते हो, परमाणविक खनिज कहते हो। और ये कैसे आपका कहां पर पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सर ये आपका पाया जाता है भारत में, अगर हम बात करते हो तो यह केरल राज्य में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, केरल राज्य में यह आपका खनिज पाया जाता है। और यह आपका कैसा खनिज है, तो परमाणविक आपके खनिज के रूप में आपको दिखाई देता है और केरल में आपका फाउंड किया जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे परमाणविक खनिज के रूप में केरल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सबसे बड़े कोयला भंडार पाए जाते हैं, भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार आपका कहां पर पाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार कहां पर पाए जाते हैं, आपका आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में। अब मध्य प्रदेश की अगर बात आती है तो यहां पर आपको क्या दिखाई देता है, सोहागपुर आपका हो जाता है। सोहागपुर क्या है आपका, कोल फील्ड है, कोल आपको क्या दिखाई देता है, फील्ड आपको देखने को मिलता है। और ये कोल फील्ड कैसा है, तो यह आप कहेंगे विश्व में कोयले की सबसे मोटी परत आपकी कहां पर पाई जाती है, मध्य प्रदेश में आपकी पाई जाती है। सोहागपुर कोल फील्ड आपका भारत की सबसे मोटी कोल फील्ड आपको देखने को मिलती है, सबसे मोटाई पर, इसकी मोटाई क्या है, सर्वाधिक है आपका, तो यह विश्व की सबसे मोटी आपकी कोल फील्ड आपको यहीं पर मिलती है। अब आपसे पूछा जाए कि झारखंड में क्या क्या अवस्थित है, तो झारखंड में आप जानते हैं कि एक क्या है आपका झरिया है, झरिया कोल फील्ड कहां पर है आपका, झारखंड में। और कहां से पाया जाता है, बोकारो से आपका पाया जाता है। कहां से पाया जाएगा आपका, बोकारो से भी आपका क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। इसके बाद आपका कहां से, तो गिरिडीह, गिरिडीह आपके क्या हो जाते हैं, तीन इंपॉर्टेंट आपके कोल प्रोडक्शन एरिया हो जाते हैं झारखंड में। और झारखंड आपका कैसा है, तो भारत में प्रथम स्थान पर आपको दिखाई देता है। चलिए, तो आपका क्या पाया जाता है, तो झारखंड में यह पाया जाता है झरिया, बोकारो और गिरिडीह। झारखंड भारत में सर्वाधिक आपका कोल का उत्पादन करता है और सर्वाधिक आपको दिखाई देता है। एक आपसे और प्रश्न पूछा जाता है कि रानीगंज, रानीगंज क्या पूछा जाएगा आपका, रानीगंज आपका कोल फील्ड कहां पर है या कोल आपका फील्ड आपको कहां पर दिखाई देता है, तो याद रखेंगे यह बार बार आपसे पूछा जाता है, ये वेस्ट बंगाल का है। रानीगंज ही कहां से आपकी, तो वेस्ट बंगाल से है। और यह आपको कहां पर दिखाई देगा, वेस्ट बंगाल में दिखाई दे जाएगा, रानीगंज आपका कोल फील्ड आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन आपका इनमें से सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा आपका सुमेलित नहीं है आपको उत्तर करना है। सबसे पहला आपका डाउंस, दूसरा आपसे स्टेपीज, तीसरा आपसे सेल्वास और चौथा आपसे क्या पूछा जा रहा है आपका, टैगा पूछा जा रहा है। अब आपको यह बताना है कि इनमें से कौन से घास के मैदान सुमेलित है, क्या डाउंस आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, तो आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि डाउंस आपका पाया कहां जाता है, स्टेपीज क्या आपका शीतकटिबंधीय घास का मैदान है, आपको इसकी लोकेशन मालूम होनी चाहिए, सेल्वास आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है या आपका टैगा, तो आप कहेंगे कि इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो कौन सुमेलित नहीं है आपका, डाउंस।
एक्चुअली आपका डाउन्स पाया कहाँ पर जाता है, तो यह पाया जाता है आपका पूर्वी भाग जो आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का, कौन सा भाग हो जाता है आपका, तो ऑस्ट्रेलिया का आपका दक्षिण पूर्वी भाग आपको दिखाई देता है। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर है ये, ऑस्ट्रेलिया में आपका, तो ऑस्ट्रेलिया के आपका दक्षिण पूर्वी भाग में आपको दिखाई देता है। यह कैसा है आपका, तो आप कहेंगे सर डाउन्स आपका होता है शीतोष्ण घास के मैदान है। कैसे घास के मैदान है आपका, तो शीतोष्ण आपके घास के मैदान आपको दिखाई दे जाते हैं। स्टेपीज आपका कहाँ पर पाया जाता, तो यह भी आपका शीतोष्ण कटिबंधी है। ये आपका पाया जाता है एक तो यूरोप में पाया जाता है, और प्लस आपका कहाँ पर पाया जाता है, तो आप कहेंगे सर रसिया के क्षेत्र में पाया जाता है। तो यह यूरेशिया में पाया जाने वाला आपका क्या है, घास के मैदान आपको दिखाई देते हैं। सेल्वास आपका कहाँ पर है, अमेजन नदी बेसिन। अमेजन आपका क्या हो जाता है, नदी बेसिन में आपका पाया जाता है। और यह आपको कहाँ दिखाई देगा, तो यह आपको दिखाई देगा ब्राजील में आपका पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाएगा, ब्राजील में। और टैगा कहाँ पर पाया जाता है, तो याद रखेंगे आप लोग ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ध्रुवीय आपका कहाँ पर, क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पर आपका, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में आपका पाया जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। बात क्लियर है, यहां पर आपसे क्या हो सकता है, अकेला भी पूछ सकता है, वर्ल्ड पूछ सकता है, अफ्रीका। तो जैसे डाउन्स हो गया, स्टेपीज हो गया, सेल्वास हो गया और टैगा, ये कैसे घास के मैदान है, इनकी कई बार खासियत भी पूछी जाती है। तो इसकी खासियत को भी आपको क्या करना है, याद करके रखना है। जैसे आपसे वो यह भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा आपका भूमध्य रेखीय घास का मैदान है, तो आपको क्या बताना है, सेल्वास आपको कैसा दिखाई देता है, भूमध्य रेखीय घास का मैदान आपको दिखाई देगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, मुख्य आयुक्त को पद से पदच्युत किया जा सकता है। मुख्य आयुक्त का मतलब क्या है, तो यह कहता है कि आपका भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, यहां पर आप याद रखेंगे निर्वाचन कौन हो जाएगा आपका, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहां पर है, निर्वाचन अगर आपसे पूछा जाए आयोग का आपका उल्लेख कहां पर है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल आपको कहां पर दिखाई दे जाएगा, 324 किसके विषय में बात करता है, भारतीय निर्वाचन आयोग के विषय में बात करता है। इसके पास क्या जिम्मेदारी दी गई है, तो याद रखेंगे आप लोग संसद के दोनों सदनों, संसद प्लस आपका क्या हो जाता है विधानसभा, विधानसभा का आपका क्या है चुनाव संपन्न कराने के लिए क्या होगा, एक भारतीय चुनाव आयोग होगा, इसी के द्वारा आपका चुनाव संचालित किया जाएगा। तो इसे कैसे हटाया जा सकता है, संसद के दोनों सदनों के दो तिहाई बहुमत के द्वारा, या उस प्रक्रिया के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए लागू होती है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा, या मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। तब हम कहेंगे कि जो आपका निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाता है। तो यह क्या हो जाता है आपका आंसर, बी इज अ राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट, आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत सबसे पुराना है, आपसे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत आपका सबसे पुराना इनमें से माउंटेन है, अरावली, नीलगिरी, हिमालय या आपका सतपुड़ा। सतपुड़ा का विस्तार आपको कहां पर दिखाई देता है, तो सतपुड़ा आपको दिखाई दे जाएगा मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आपको दिखाई देता है, इसका विस्तार आपको तीन राज्यों में। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहां पर आपकी, गुजरात, एमपी प्लस आपका कहां पर है, छत्तीसगढ़ में आपको दिखाई देता है। यह कैसा माउंटेन है आपका, तो आप कहेंगे सर यह आपका ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। ब्लॉक माउंटेन का आपका क्या हो जाता है, माउंटेन का आपका एग्जाम्पल है, मतलब आपका यह भ्रंशोत पर्वत का एग्जाम्पल है, उदाहरण आपको दिखाई देता है। इसके बाद हिमालय आपका कैसा है, तो याद रखेंगे आप लोग नवीन वलित पर्वत है, नवीन आपको क्या दिखाई देता है, वलित पर्वत आपको देखने को मिलता है, नवीन वलित पर्वत के रूप में आपको हिमालय दिखाई देगा। नीलगिरी कहां पर आपका, तो याद रखेंगे आप लोग पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट और साथ में आपका पूर्वी घाट का क्या है आपका, तो याद रखेंगे पूर्वी घाट का, घाट का आपका क्या हो जाता है मिलन बिंदु है, मिलन आपको क्या दिखाई देता है बिंदु के रूप में आपको देखने को मिलेगा। जबकि अरावली आपका इसका विस्तार कहां कहां से है, याद रखेंगे गुजरात में आपको दिखाई देता है, गुजरात, गुजरात के कहां से, तो याद रखिए आप सभी पालनपुर, पालनपुर कहां पर आपका, तो पालनपुर आपको दिखाई देता है गुजरात।
और गुजरात के पालनपुर से लेकर के अहमदाबाद के पास है आपका, अहमदाबाद याद रखेंगे, अहमदाबाद आप सभी को याद रखना है। अहमद हो गया ये तो, अहमदाबाद आप सभी को याद रखना है। यहां से कहां तक है आपका तो याद रखेंगे आप सभी दिल्ली, और दिल्ली में कहां तक है आपका तो रायसेना तक। दिल्ली में कौन सी जगह है आपका, रायसेना आपको क्या दिखाई देती है, हिल आपको देखने को मिलती है। यहीं पर किसका भवन है तो यहीं पर आपको दिखाई देता है राष्ट्रपति भवन आपको दिखेगा, भारत के राष्ट्रपति का भवन कहां पर है, रायसेना हिल में आपको दिखाई देता है। दिल्ली में अवस्थित आपको भारत के राष्ट्रपति का भवन दिखाई देगा जिसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग रायसेना हिल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है आपका, तो रायसेना हिल के नाम से आपका जाना जाएगा, यह रायसेना हिल। अब आपसे पूछा जाए अरावली की सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च शिखर आपसे पूछा जाए, सर्वोच्च आपका क्या है, शिखर कौन सा है, तो सर्वोच्च शिखर आपको दिखाई देता है यह आपका गुरु शिखर है। गुरु शिखर आपका क्या हो जाएगा, इसका सबसे ऊंची चोटी है, कितनी है 1700 आपको क्या दिखाई देती है, 27 मीटर के साथ सर्वोच्च शिखर आपको देखने को मिलेगा। है किस पर्वत पर, तो याद रखेंगे आप सभी माउंट आबू पर है। माउंट आपका क्या हो जाता है, आबू पर्वत पर आपका अवस्थित दिखाई दे जाएगा। और अरावली कैसा आपका, प्राचीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है, कैसा तो याद रखेंगे आप सभी प्राचीनतम वलित पर्वत, प्राचीनतम आपका क्या हो जाता है, प्राचीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है, वलित पर्वत का आपका क्या उदाहरण है। साथ में ये कैसा पर्वत है, तो यह आपको दिखाई देगा अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट आपका क्या हो जाता है, अवशिष्ट पर्वत का भी उदाहरण है, इतना पुराना है कि घिसे पेटे पर्वत का उदाहरण है, जिसे हम लोग दिल्ली के क्षेत्र में क्या कहते हैं, रिज के नाम से जानते हैं। तो ये कैसा आपका उदाहरण है, तो घिसे पेटे पर्वत का आपको उदाहरण दिखाई देता है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, जैसे हम अरावली पर्वत के नाम से जानते हैं, रिलेक्ट माउंटेन भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आइए आंसर दीजिए। ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत आपकी कहां पर पाई जाती है आपको बताना है, ट्रोपोस्फीयर पर या क्षोभ मंडल पर या मेसोस्फीयर पर मध्य मंडल में या स्ट्रेटोस्फीयर पर समताप मंडल में या आयनोस्फीयर पर आयन मंडल में। देखिए जितनी भी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधित घटनाएं, मौसम आपका संबंधी आपकी क्या हो जाती है, संबंधी जो आपकी घटनाएं, घटनाएं कहां पर घटित होती हैं, तो यह सारी घटनाएं आपकी स्ट्रेटोस्फीयर पर आपकी घटित होती है या क्षोभ मंडल में आपकी घटित होती है। जबकि आपका आयन मंडल से क्या लौट करके आती है, जो आपकी रेडियो तरंगे होती है आयन मंडल से क्या करती है, लौट करके आती है। स्ट्रेटोस्फीयर या आपका समताप मंडल या इसकी ऊपरी परत पर, इसकी क्या हो जाती है आपकी, इसकी ऊपरी परत पर, ऊपरी परत पर क्या पाया जाता है, परत पर आपका ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन आपकी क्या पाई जाती है, लेयर आपकी पाई जाती है। और यह लेयर हमारी किससे आपकी सुरक्षा करती है, तो याद रखेंगे पराबैंगनी किरणों से। पराबैंगनी आपकी क्या हो जाती है, किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। अब पराबैंगनी किरणों के कारण रोग कौन सा होता है, याद रखेंगे आप लोग शारीरिक रोग होते हैं, शारीरिक आपके क्या हो जाएंगे, या तो आप इससे कहेंगे चर्म रोग होते हैं, चर्म रोग आपको देखने को मिलते हैं, और साथ में क्या हो सकता है, कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो ये सारे रोग किससे होते हैं आपका, ये आपका हो जाता है पराबैंगनी किरणों से। इसका सर्वाधिक आपका ओजोन परत का सर्वाधिक क्षरण कहां पर हुआ है, अगर पूछा जाए इसका क्षरण सर्वाधिक कहां पर हुआ है, तो आप बताएंगे ध्रुवीय क्षेत्रों में आपका हुआ है। कहां पर आपका, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में इसका सर्वाधिक क्षरण आपको दिखाई देता, ओजोन छिद्र से क्या होगा, तो ये सारी आपको चीजें देखने को मिलेंगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, संविधान के निम्न, संविधान के निम्न अनुच्छेद में से किस एक के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जिसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। 14वां अनुच्छेद, अनुच्छेद 14 क्या कहता है आपका, विधि के समक्ष समानता की बात करता है। ये क्या कहता है आपका, विधि के समक्ष आपकी किसकी बात करता है, समानता की बात करता है। विधि के समक्ष समानता की बात कौन करता है, आर्टिकल 14 आपका विधि के समक्ष आपकी समानता की बात करता है। इसके बाद अनुच्छेद 16 क्या कहता है आपका, अवसर की समानता, अवसर की क्या कहता है आपका, समानता कहता है। अवसर की समानता किस पर पाई जाती है, इसी में पाई जाती है। इसके बाद 18वें में आपका क्या कहा गया है,
तो जो अनुच्छेद 18 है इसमें उपाधियों का अंत, उपाधियों का क्या किया गया, उपाधियों का अंत आपको दिखाई देता है। उपाधियों का अंत किसमें है तो याद रखेंगे अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 17 में किसकी बात की गई है, अस्पर्शता के अंत की बात की गई है। ठीक है, अस्पर्शता का अंत किसमें है आपका, अनुच्छेद 17 में आपको दिखाई देता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आपका निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में, यहां पर समझिए भाषा, संसद के दोनों सदनों में बोलने तथा अन्य कार्यवाहियों में शामिल होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उनमें वोट देने का अधिकार नहीं है। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, उसकी कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, संसद की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार संसद में नहीं होता। भारत का महालेखा परीक्षक एवं लेखा नियंत्रक या भारत के मुख्य चुनाव आयोग या भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष या भारत का अटॉर्नी जनरल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो भारत का महान्यायवादी होता है इसे क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। महान्यायवादी आपका क्या होता है, याद रखेंगे भारत सरकार का सबसे बड़ा ये क्या है, भारत सरकार का सबसे बड़ा आपको क्या दिखाई देता है, विधि मंत्री है। विधि आपका क्या हो जाता है, विधि सलाहकार, सलाहकार आपको दिखाई देता है। इसका उपबंध किसमें किया गया है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में इसके विषय में बताया गया है कि महान्यायवादी क्या होगा, भारत सरकार का सबसे बड़ा भैया कानूनी सलाहकार होगा। ये बातें किसमें आपके आर्टिकल 76 में बताई गई है। चलते हैं आगे, अगली बात करते हैं आपका सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध। सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है, राजस्व वितरण से है, राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से है, संसद की सदस्यता से है, केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंध से है। इनमें से सरकारी आयोग का संबंध किससे है आपको बताना है। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था, तो गठन की अगर आप बात देखते हैं तो गठन आपको दिखाई देता है साथियों 1983 में इसका गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, तो रिपोर्ट इसने आपकी सौंपी थी 1987 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, और इसने केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों के विषय में विस्तृत अपनी रिपोर्ट में बातें की है। तो किससे संबंधित है आपका, तो केंद्र राज्य के पारस्परिक संबंधों से संबंधित समिति का नाम क्या है आपका, सरकारी आयोग आपको दिखेगी। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न, लड़कियों के लिए भारत में विवाह की विधिक न्यूनतम आयु क्या है। ये आपका करंट में चर्चाओं में रहा है, इसलिए प्रश्न आपको दिखाई देगा कि लड़कियों के लिए भारत में विवाह की विधिक न्यूनतम आयु क्या है। तो मोदी सरकार की आपका कैबिनेट के द्वारा 21 वर्ष का जो प्रस्ताव है उसे अभी मंजूर किया गया है, उसको मंजूरी प्रदान होने के बाद आयु कितनी होगी आपकी, 21 वर्ष हो जाएगी। अभी वर्तमान समय में आपकी 18 वर्ष है। इसका विपक्ष के द्वारा अभी विरोध भी किया जा रहा और सभी इसका विरोध कर रहे हैं, तो याद रखेंगे आप लोग जिस दिन आ जाएगा 21 वर्ष आपको लगाना है। फिर चलिए अगले प्रश्न की ओर, यह धारणा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है सर्वाधिक प्रदर्शित होती है कहां पर। भारत एक आपका क्या है, वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है, यह बात हमको कहां से पता चलती है, तो आप सभी को मालूम है भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का आपका क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान का आपको दिखाई देता है पार्ट, और पार्ट कौन सा आपका, भाग 4 आपको दिखाई देगा, जिसमें किसकी बातें की गई है, डीपीएसपी की बात की गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और यहीं से भारत एक कल्याणकारी राज्य है की भावना आपको दिखाई देती है। आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल आपको 36 से लेकर के कहां तक चलेगा, 51 तक आपको दिखाई देता है, जिसमें डीपीएसपी की बात की गई, वो अधिकार जिनको हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोगों के साथ वादा नहीं कर सकते थे कि आप कोर्ट में जाकर के उसे क्या कर पाएं, उसे लागू कराएं, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी, इसलिए हमने उन अधिकारों को कहा कि राज्य आगे चल करके जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेंगी राज्य उनके लिए क्या करेगा, प्रयास करेगा, और ऐसे आप जाकर के कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि ऐसा सरकार के द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि सरकार की शुरुआती दौर पर ऐसी मजबूरी भी थी
कि अगर हम इस तरीके से क्या करेंगे, इन सारे अधिकारों को भी क्या बना देते हैं, मूल अधिकारों की तरह बना देते हैं, तो यह हमारे लिए समस्या का विषय होगा। इसलिए इसे क्या किया गया आपका, इसलिए इसे शामिल कर दिया गया ऐसे अधिकारों के अंतर्गत जिसको राज्य जब आगे चल करके सक्षम हो उसके विषय में उपबंध कर सकता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। ऐसा कौन सा अधिकार है जो दो अनुच्छेदों को 19(1) का सब क्लॉज डी और अनुच्छेद 21 को एक साथ अगर हम मिलाकर के पढ़ते हैं तो ये बातें हमको दिखाई देती हैं। याद रखेंगे ये बात की गई थी आपका मेनका गांधी वाद, मेनका गांधी आपको, मेनका गांधी बनाम आपका क्या था, बनाम आपको दिखाई देता है भारत सरकार। इसके अंतर्गत क्या किया गया था, पासपोर्ट अधिकारी हम कह सकते हैं, क्या हो जाता है आपका पासपोर्ट आपको क्या दिखाई देता है, अधिकारी आपको देखने को मिलेंगे। जब आपका क्या हुआ, संजय गांधी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद आपका क्या होता है, मेनका गांधी विदेश जा रही होती है, पासपोर्ट अधिकारी इनके पासपोर्ट को जब्त कर लेता है, यह विदेश न जा पाए और जनता पार्टी की सरकार आ चुकी होती है। 1778 की बात थी और उस समय यह कहा जाती है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वो आर्टिकल 19(1) और साथ में आपका अनुच्छेद 21, ये क्या है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है और यह बात करता आपका अबाध संचरण की, मतलब घूमने की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को पढ़ा और उसने कहा कि यह आपका गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो आपको क्या है, गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का अधिकार के अंतर्गत विशेष यात्रा को भी क्या माना था आपका सुप्रीम कोर्ट ने, गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का अधिकार माना था। बात एक क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति, निम्नलिखित में से कौन आपका भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है। इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है। आप सभी जानते हैं कि आप क्या किया गया, भारत में जब आप किसको देखेंगे, राज्यपाल को देखते हैं, राज्यपाल की आपकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की आपकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये बात है आपको कहां पर, तो आपको दिखाई दे जाएगा आर्टिकल आपका क्या है 156 में बातें की गई है कि राज्यपाल आपका अपना पद किसके प्रसाद पर्यंत धारण करता है, राष्ट्रपति के, और राष्ट्रपति जब चाहे इसको इसके पद से हटा सकता है, इसके लिए उसे कारण बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका जब मन होगा तब क्या करेगा आपका हटा देगा, भैया हमने प्रसाद दिया था, प्रसाद वापस ले लिया, और ले लिया तो हट जाएगा। अगला चलिए, विश्व का सबसे बड़ा विखंडन यार्ड, विश्व का सबसे बड़ा विखंडन यार्ड आपका स्थित है गुजरात में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, या आपका तमिलनाडु में स्थित है। इनमें से विश्व का सबसे बड़ा आपका विखंडन यार्ड आपको बताना है कहां पर स्थित है। तो विखंडन यार्ड से आपको क्या समझना है, मतलब समझने का प्रयास करना है। विखंडन यार्ड का मतलब होता है स्क्रब यार्ड, जहां पर क्या किया जाए आपको कबाड़ बनाया जाए, चीजों को तोड़ा जाए। तो विश्व में आपका कहां पर है, गुजरात में आपका अवस्थित है, गुजरात के कच्छ से। एक बात और याद रखिएगा आप लोग, यहां पर आपको क्या दिखाई देता है, कच्छ की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी। कच्छ की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह है आपका, तो कांडला आपका क्या हो जाता है, बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह आपको दिखाई दे जाएगा, बंदरगाह आपको मिलेगा। कांडला बंदरगाह का किसके रूप में विकास किया गया था, तो याद रखेंगे कराची बंदरगाह के, कराची आपका क्या हो जाता है, बंदरगाह के विकल्प के रूप में, विकल्प के आपका क्या हो जाता है, रूप में विकसित किया गया, विकसित आपका किया गया था। इसे आप लोगों को याद रखना है, कौन सा आपका, तो गुजरात में, और कांडला बंदरगाह भी आपका कहां पर है, गुजरात में, जैसे कराची बंदरगाह के विकल्प के रूप में विकसित किया गया था, कब आपका, तो 1947 में। कराची बंदरगाह कहां चला गया, पाकिस्तान चला गया, उसके बाद इसका क्या किया गया आपका, तो इसे आपका एक पोर्ट के रूप में डेवलप किया गया। जैसे महाराष्ट्र में आपको कौन कौन से बंदरगाह हैं, तो याद रखेंगे महाराष्ट्र के आपके दो बंदरगाह आपको दिखाई देते हैं, एक तो आपका महाराष्ट्र हो जाता है, दूसरा कौन सा जो आपसे पूछा जाता है महाराष्ट्र में, तो याद रखेंगे आप लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित आपका क्या हो जाता है, जवाहरलाल आपको क्या दिखाई देता है, लाल आपका, लाल नेहरू यहां पर आपको क्या दिखाई देता है, पत्तन आपको दिखाई देगा। यह मुंबई आपका क्या है, तो यहां पर आपको दिखाई देता है मुंबई पोर्ट,
मुंबई आपका क्या था, पोर्ट है, और मुंबई पोर्ट पर पड़ने वाले अधिकतम भार को कम करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू पत्तन का विकास किया गया, जैसे आपका नेहवा सेहवा आपका पोर्ट के नाम से जाना जाता है, पोर्ट भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह पूर्ण रूप से क्या आपका कंप्यूटरीकृत आपको क्या दिखाई देता है, बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा। तो नेहवा सेहवा आपसे बार बार पूछा जा सकता है, कहां पर है आपका, महाराष्ट्र में। अगला चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। शून्यकाल संधि नहीं, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है। शून्यकाल जो आपकी संसदीय व्यवस्था है यह किस देश की देन है। तो याद रखिएगा, जो भारत में पहला आपका जो होता है वो प्रश्नकाल, और प्रश्नकाल के बाद जो आपका लंच का टाइम होता है 12 से 1 के बीच, ये आपकी कहां पर विकसित हुई, भारत में। समय क्या होता है इसका, समय अगर कभी पूछा जाए तो 12 बजे से लेकर के 1 PM तक का जो समय होता है इसे शून्यकाल कहते हैं। यह विकसित कब हुआ, तो विकसित आपका होता है भारतीय संसदीय परंपरा में, हम कह सकते हैं 1960 से लेकर के 70 के दशक के मध्य किसे विकसित किया गया, आपका शून्यकाल को विकसित किया गया, जिसमें कौन से मुद्दे उठाए जाते हैं, अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न उठाए जाते हैं। ठीक है, कौन से प्रश्न आपके किए जाते हैं, अविलंबनीय एवं लोक महत्व के मुद्दों को इस दौरान आपका उठाया जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विधानसभाओं के विघटन के बाद भी थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, आप लोग लाइक कर दिया करो वीडियो को अगर पसंद आती है। मैं तो डिसलाइक के लिए भी कहता था, लेकिन क्या हुआ, बीच में मोदी जी के चलते डिसलाइक हट गया। अब कोई बात नहीं, आप लोग डिसलाइक वाले पे क्लिक कर लिया करो, थोड़ी मन को अच्छा लगेगा, दिखेगा नहीं, लेकिन आप क्या कर सकते हो, लाइक तो कर ही सकते हो, साथ में शेयर भी कर सकते हो। चलिए, अगर क्लास अच्छी लगती है तो ऑफलाइन कमेंट करके भी बताना मत भूला करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अंकल आंटी चाचा चाची मामा ताऊ भाई बहन सब के पास शेयर कीजिए, जो भी बीएड की तैयारी कर रहा उन सब तक आप क्या करिए, इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास कीजिए। तो आप लोग क्या किया करिए, शेयर जरूर किया करिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका स्पीकर पद पर बना रहता है। अगर विधानसभा का मान लेते विघटन हो गया, विघटन के बाद आपका इलेक्शन हुआ, उसके बाद आपका उसका स्पीकर कब तक अपने पद पर बना रहता है, ये बात जानना चाहता है। विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक अपने पद पर बना रहेगा, या नए अध्यक्ष के चुने जाने तक अपने पद पर बना रहेगा, या जब तक वह चाहता है तब तक बना रहेगा, या इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। यह बात आपकी कहां पर बताई गई है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 179 में बताई गई है। आर्टिकल 179 किस विषय में बात करता है, तो कहता है कि जो विधानसभा का आपका स्पीकर है या अध्यक्ष है, वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक नई विधानसभा गठित हो जाए, और गठित होने के बाद विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक, और जैसे ही पहली बैठक आयोजित होगी वह अपने पद से स्वतः हट जाएगा। अगला चलते हैं। निम्न भारतीय राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है या संस्था नहीं है। आप सभी जानते हैं कि 73 आपका क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था की आपका क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का उपबंध किया गया, व्यवस्था का क्या किया गया था, उपबंध किया गया। पंचायती राज व्यवस्था का उपबंध कब आपका, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया आपका, तो भाग आपका जोड़ा जाता है 9, और भाग 9 में आपको कहां से, आर्टिकल 243 ए से लेकर के ओ तक आपको पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में उपबंध देखने को मिलते हैं। तो कहां पर है, असम में, त्रिपुरा में, केरल में या नागालैंड में। याद रखेंगे भारतीय संविधान का आपका आर्टिकल 243 और 243 का आपका डा, ठीक है, आर्टिकल कौन सा आपका, तो आर्टिकल 243 डा इस विषय में आपकी बातें करता है, कतिपय क्षेत्रों में क्या है आपका, कतिपय क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित
उपबंधों का लागू ना होना, लागू ना होना, ये किसमें बात की गई आपका, तो 243 डा डमरू है ये आपका, ठीक है, डा है आपका डमरू वाला, आप इसे क्या कर सकते हो, इस तरीके से डा बना सकते हो। तो ये क्या है आपका, कतिपय क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित उपबंधों का लागू ना हो पाना। जैसे आपका कहां पर हो गया, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और असम में, ऐसी जगह जो पहाड़ी एरिया है जहां पर आपकी नगर परिषदें काम कर रही हैं, इन क्षेत्रों में यह लागू नहीं होगा, नागालैंड में लागू नहीं होगा। और कहां है आपका, तो आपका मेघालय, मिजोरम और मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में इसे लागू ना होना बातें आपकी कही गई हैं। अगला चलते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसे आपका कब शामिल किया गया, दल बदल कानून के रूप में आपका शामिल किया गया था, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम था, पिछली क्लास में भी बताया था, 1985 की बात थी। तो इसमें क्या था आपका, दल बदल प्रतिरोधी विधायन से संबंधित आपकी कौन सी है, 10वीं अनुसूची आपको दिखाई देती है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं अगला प्रश्न, संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है, संसार का सर्वाधिक आपका सूखाग्रस्त देश है ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इराक या आपका मैक्सिको। विश्व में सबसे ज्यादा सूखा देश किसे कहा जाता है, याद रखेंगे इसे आपका प्यासी धरती का, प्यासी धरती का देश भी कहा जाता है, धरती का देश भी कहते हैं, प्यासी धरती का देश भी कहते हैं। कारण क्या है, इसका 1/3 भाग, इसका 1/3 भाग क्या है, मरुस्थल है, मरुस्थल के रूप में आपको दिखाई देगा। इसका बहुत बड़ा भाग क्या है आपका, मरुस्थल के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपको क्या दिखाई देगा, इसका जो पश्चिमी भाग है, और साथ में पश्चिम के साथ उत्तर पश्चिमी भाग पूरा का पूरा इसका कैसा है, तो पूरा का पूरा आपको डेजर्ट दिखाई देगा। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है आपका, प्यासी धरती का देश भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी धरती का देश कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आटाकामा मरुस्थल के बारे में सही नहीं है, क्या कह रहा आपका, आटाकामा मरुस्थल के बारे में सही नहीं है। आटाकामा क्या आपका, विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है, यह कैसा दिखाई देता आपका, तो याद रखेंगे आप लोग, विश्व का आपका क्या है, शुष्कतम आपका क्या हो जाता है, मरुस्थल है, मरुस्थल आपको दिखाई देता है। अब इसके बारे में आपको विचार करना है, यह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, बिल्कुल सही बात है, वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, यह बात तो हमने यहां पर भी बता दी आपको, यह दक्षिणी चिली में अवस्थित है, उसमें नाइट्रेट के आपके प्रचुर भंडार आपके पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। यह कहां पर आपका अवस्थित है, दक्षिणी चिली में नहीं, बल्कि आपको कहां दिखाई दे जाएगा, उत्तरी चिली में आपका अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है, उत्तरी चिली में आपका स्थित आपको दिखाई देता है, स्थित है, और यहीं पर आपको क्या दिखाई देता है, घोस्ट सिटी भी आप जाकर के देख सकते हैं, जिसे आप एरिका के नाम से जानते हैं। यहां पर आपको क्या दिखाई देती है, प्रेतों का शहर एरिका आपको दिखाई दे जाएगा, एरिका क्या है आपका, तो एरिका आपको दिखाई देता है, घोस्ट सिटी है एरिका आपकी, क्या है, घोस्ट सिटी के रूप में आप एरिका को जानते हैं, और यहां पर आपको एरिका दिखाई दे जाएगा। एरिका क्या कही जाती है आपकी, घोस्ट टाउन कही जाती, 200-300 किलोमीटर तक इंसान नहीं मिलते आपको। यहां पर पहले कैलिस के भंडार पाए जाते थे, जिससे आपका उर्वरक बनाया जाता था, उस कैलिस को क्या किया गया, निकाल लिया गया, और जब निकाल लिया गया तो उसके बाद इसका कोई महत्व तो नहीं बचा, तो लोगों ने एरिका शहर को खाली कर दिया। अब बिल्कुल सुनसान सड़कें, सुनसान राहें, अगर आपने रॉन्ग टर्न मूवी देखी हो, रॉन्ग टर्न, और उस मूवी में आपने देखा हो कि दूर तक कोई इंसान ना दिखाई दे, नरभक्षी इंसान मिल जाते हैं, तो ये आपका टूरिज्म भी है, और आप क्या कर सकते हैं, अपने डेथ सर्टिफिकेट में साइन, वारंट में साइन करिए और चले जाइए कि हम ऐसे घूमने जाना चाहते हैं। चलते हैं अगला, इसे प्रेतों का शहर भी कहा जाता है। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया, ठीक है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री हुआ जिसने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया, मतलब प्रधानमंत्री तो थे लेकिन कभी संसद के अंदर आपका प्रवेश नहीं कर पाए। तो ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में आपको चौधरी चरण सिंह देखने को मिलते हैं।
ठीक है, चौधरी चरण सिंह आपको दिखाई देते हैं। अभी आप लोगों ने द कश्मीर फाइल्स एक आपने पिक्चर देखी होगी, इस समय पर आपका भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, बीपी सिंह थे, जिनको आपका बीजेपी का समर्थन प्राप्त था और यही आपको क्या दिखाई देते, भारत के प्रधानमंत्री थे। जगमोहन जी क्या थे आपके कश्मीर के उस समय, एज अ गवर्नर के रूप में दिखाई देते हैं। चंद्रशेखर आपको कैसे दिखाई देते हैं, 90 में जब आपका खाड़ी देश का युद्ध हुआ था, ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला बोला था, तब चंद्रशेखर आपके क्या बनते हैं, भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। और इन्हें किस नाम से जाना जाता, बलिया से थे। कहां से थे आपका, बलिया से थे, और इन्हें युवा तुर्क कहा जाता है। युवा आपका क्या कहते हैं, तो तुर्क के नाम से जानते हैं किसको, चंद्रशेखर जी को आप सभी जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, ये रहा आपका अगला प्रश्न। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है, लोकसभा में किसी विधेयक पर, कोई मान लेते हैं आम क्या लाया गया, आपका बिल लाया गया, आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है, विधेयक के प्रस्तुति के समय, प्रस्तुति के समय होती है, या आपका क्या है द्वितीय वाचन में होती है, या प्रतिवेदन स्तर पर होती है, या आपका तृतीय वाचन। मान करके चलिए जब आप किसी विधेयक को सदन के पटल पर रखते हैं, इसे क्या कहा जाता है आपका, इसे कहा जाता है आपका प्रथम वाचन कहा जाता है। मान करके चलिए किसी मंत्री ने क्या किया, कोई विधेयक रखा, उसने रख दिया, बात वहां पर खत्म। उसके बाद उसकी क्या की जाती है, सबको कॉपियां दे दी जाती है, कॉपियां दे दी जाएंगी। द्वितीय वाचन में क्या होता है, विधेयक के महत्वपूर्ण हिस्से में आपकी क्या की जाती है, चर्चा की जाती है। विधेयक के महत्वपूर्ण आपका क्या हो जाता है, महत्व आपको पूर्ण क्या दिखाई दे जाता है, तो याद रखेंगे आप सभी, महत्वपूर्ण चर्चा इसी दौरान होती है। और तीसरा तृतीय वाचन में क्या किया जाता है, तो इसे पास करा लिया जाता है, इस पर कोई आपकी चर्चा नहीं होगी, बल्कि इस समय आप क्या कह सकते हो, वोटिंग होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है आपकी वोटिंग के माध्यम से इसे क्या करा दिया जाता है, आपका पास करा लिया जाता है। तो तीन वाचन होते हैं किसी भी विधेयक को लेकर के, प्रथम वाचन, प्रथम वाचन में इसे विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा, द्वितीय वाचन अगर कोई आपको क्या दिखाई देता है कमी दिखेगी तो उसके बाद इसे संसदीय समितियों के पास भेज दिया जाता है, फिर जब यह तृतीय वाचन में आएगा तो उसके बाद इसे क्या किया जाता है, सीधा पास करा लिया जाता है। अगला चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक लोकसभा और राज्यसभा, निम्नलिखित में से आपका कौन एक लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति करता है, निम्नलिखित में से कौन एक आपका लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति के संबंध में प्रावधान करता है, आपको बताना है। कुल सदस्य संख्या का 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/8, कुल सदस्य संख्या का 1/6, या कुल सदस्य संख्या का 1/5। इसका मतलब होता है कि किसी भी सदन को चलाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का होना अनिवार्य है, यह बात आपको कौन बताता है, तो यह बात आपको बताएगा कुल सदस्य संख्या का 1/10। अगर होते हैं तो सदन की कार्यवाही को संचालित किया जा सकता है, यह सदन की क्या होती है, गणपूर्ति होती है। मान करके चलिए आपका जैसे 500, अभी मान करके चलते 500 क्या हो जाता है आपका, 552 आपके मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, लोकसभा में सदस्य हो सकते हैं। ये क्या आपका मैक्सिमम आपको क्या दिखाई देता है, सदस्य संख्या है। अब इस मैक्सिमम सदस्य संख्या को जब आप देखेंगे तो वर्तमान समय में क्या 545 से नहीं 543 के आसपास आपको दिखाई देंगे। अब इसका क्या होगा आपका 1/10, अगर सदस्य उपस्थित हैं तो इसकी कार्यवाही को संचालित किया जा सकता है, अन्यथा सदन को स्थगित कर दिया जाता है, यह गणपूर्ति है। चलते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है, कह रहा आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार में आता है, बताना है। राज्यों के पारस्परिक विवाद से संबंधित, या केंद्र और राज्य के मध्य विवाद हो जाए तब, या मूल अधिकारों के संरक्षण को लेकर के, या आपका संविधान के उल्लंघन के संरक्षण को लेकर के। तो यहां पर आप याद रखिएगा आर्टिकल आपका क्या है, आर्टिकल 32, ये किसको अधिकार देता आपका, तो यहां पर आपका उच्चतम न्यायालय, उच्चतम आपका क्या हो जाता है न्यायालय, आपका क्या कर सकता है न्यायालय मूल अधिकारों से संबंधित रिट आपका जारी कर सकता है, इसका अधिकार किसको है, तो रिट जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को दिया गया है। इसी तरीके से आपका भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 में किसे दिया गया आपका, तो उच्च न्यायालय को दिया गया है, उच्च न्यायालय को क्या है न्यायालय को आपका रिट अधिकारिता प्रदान की गई है, और यह क्या कर सकता है मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है।
जैसे आप लोगों ने अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेषण, ये सारी की सारी आपकी जो पांचों रिटें हैं किसके द्वारा जारी की जा सकती है, तो यह आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय के द्वारा और आर्टिकल 226 के तहत आपका उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, ऐसी रिटों को जारी कर सकता है। ये बात आप सभी को ध्यान में रख करके चलना है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि संविधान संशोधन ने शिक्षा के शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा है, आपको बताना है। थोड़ा सा शेयर कर दो और एक अंतिम बार शेयर कर दो और फिर क्या है, मौजा ही मौजा है भाई। आप लोग जो है शेयर भी कर सकते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा एक बार जोर लगा करके शेयर कर दीजिए। तो 86वां संविधान संशोधन, 87वां संविधान संशोधन, 88 या 89, इनमें से कौन सा आपका संविधान संशोधन है जो क्या करता है, तो शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में आपका बताता है। तो आप सभी जानते हैं आपका 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में आपका शामिल कर दिया गया। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपका क्या किया जाता है, तो इसे शामिल कर दिया गया किसमें आपका, तो मूल अधिकार में आपका शामिल कर दिया गया। किसमें शामिल कर दिया गया आपका, मूल अधिकार में इसे आपका शामिल कर दिया जाता है। कब लाया गया था यह आपका, तो 2002 में लाया गया। 2002 के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने आपका शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में बदल दिया और भारतीय संविधान के आर्टिकल 21A में इसे आपका शामिल कर दिया। अगला, संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में आपका वर्णित है। पंचायतों को जो कार्य दिए गए हैं यह किस में आपका वर्णित है, तो आप सभी जानते हैं इसके लिए आपका क्या किया गया, भारतीय संविधान में भाग 10 जोड़ा गया और इसके साथ सूची कौन सी जोड़ी गई, तो 11वीं आपकी क्या जोड़ी गई थी, सूची जोड़ी गई। भाई भाग कौन सा आपका, तो भाग आपको दिखाई देगा 10, ठीक है, भाग आपका कौन सा जोड़ा गया था, 9 जोड़ा गया भाग, और सूची कौन सी जोड़ी गई भारतीय संविधान में, तो सूची 11 जोड़ी गई और इसको जोड़ करके क्या किया गया, पंचायतों को कार्यों का आवंटन किया गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, संविधान के निर्माण में, संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना भारत के संविधान के निर्माण में समय लगा। भैया आप लोग पैसे तो सबको ही जानते हैं कि लगभग कितना, 65 लाख रुपए का खर्चा आया था। संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा ये आपको बताना है। निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, 3 वर्ष 11 माह 5 दिन, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कब बनकर के तैयार हुआ आपका, 26 नवंबर आपको दिखाई देगा 1949 को क्या किया गया आपका, आत्मर्पित कर दिया गया या अंगीकृत किया गया। कब किया गया था आपका, तो यहां पर, और लागू कब किया गया, पूर्णतः लागू कब किया गया, लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1900 आपका क्या हो जाता है 50 को। 26 जनवरी की डेट क्यों मनाई गई, क्योंकि लाहौर अधिवेशन 1929 रावी नदी के किनारे हमने क्या किया था, अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया था कि अगर ब्रिटिश ने हमको डोमिनियन स्टेटस प्रदान नहीं किया तो हम क्या करेंगे, ब्रिटिश स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए क्या है आपका, झंडा फहरा करके अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और इसी के तहत ये आपको दिखाई देता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, संविधान में आपका उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संविधान में आपका उद्देश्य प्रस्ताव किस व्यक्ति के द्वारा आपका प्रस्तुत किया गया था, यही आपको बताना है। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव आपका किस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये चीज आपको बतानी है। तो आप बताइए, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सीडी देशमुख, इनमें से किसके द्वारा आपका उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो आपको याद होनी चाहिए यह बात कि उद्देश्य प्रस्ताव लाया कब गया, तो यह लाया गया था आपका, लाया गया आपका 13 दिसंबर, 13 दिसंबर आपका कब की बात है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पढ़ा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आपका पढ़ा गया। इसके पीछे के कारण क्या थे, भारत नया नया आपका क्या हो रहा था, स्वतंत्र हो रहा था, भारत की तरफ आपका सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था।
और जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था तो भारत में अलग अलग जाति धर्म और समुदाय के लोग थे। हर किसी को इसमें डर की भावना थी कि नया आने वाला भारत कैसा होगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब आप पढ़ते सभी के लिए इसमें बातें की गई, हम भारत के लोग, ठीक है, ये आप क्या करते हैं, प्रस्तावना देखते हैं, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, ये जो सारे आप शब्द देखते हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हर एक वर्ग को यह बता रहे थे कि भारत आप सभी का है, और इसीलिए उस उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को आपका 22 जनवरी आपका 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया, ठीक है, संविधान सभा में इसे पास करा लिया गया। इसके माध्यम से क्या था, आने वाला भारत कैसा होगा, सबके लिए क्या परिस्थितियां होंगी और क्या व्यवस्थाएं होंगी, और सभी को इसके माध्यम से एक सुरक्षा की गारंटी प्रदान करने का प्रयास किया गया था। तो कौन सा हो जाता आपका, ये आपका 22 जनवरी को स्वीकार किया गया। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। बात आसान क्वेश्चन है, लोकसभा को भैया समाप्त तो नहीं किया जा सकता, भंग किया जा सकता। राज्यसभा स्थायी सदस्य, इसे ना तो समाप्त किया जा सकता ना भंग किया जा सकता। इसके 2/3 सदस्य क्या कर, 1/3 सदस्य आपका क्या करते, प्रति 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। राज्य की विधानसभाएं, विधानसभाओं को भंग किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता। राज्य की जो विधान आपकी परिषदें होती है, इन विधान परिषदों को क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, ठीक है, मतलब भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। और ऐसी बातें आपका कौन कहता है, तो एस भैया निर्माण की बातें आपको दिखाई दी जाएंगी 265 में, 269 में आपका क्या किया जा सकता है, याद रखेंगे एक, सॉरी, आर्टिकल 169, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, आर्टिकल आपका 169 यह बात कहता है कि अगर किसी राज्य की विधानसभा अपने यहां यह प्रस्ताव पारित करके भेजती है कि हम क्या बनाएंगे अपना, तो ये हम जो है विधान परिषद का गठन करेंगे, तो विधान परिषद का गठन किया जा सकता है, ये बातें याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु विधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाए, कोई बात नहीं, ये जानना चाहता आपका राज्यों में विधान परिषद के सृजन के लिए, सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो अभी बता दिया आर्टिकल 169 के तहत हम क्या कर सकते हैं, हम नई विधान परिषद का गठन कर सकते हैं, कोई भी राज्य अपने यहां विधान परिषद का क्या कर सकता है, गठन कर सकता है। आर्टिकल 69 किसके लिए बात करता है, तो उपराष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति की आपकी क्या हो जाती है, उपराष्ट्रपति की शपथ के विषय में आपका बात करता है। उपराष्ट्रपति की शपथ किसमें दी गई है, तो आर्टिकल 69 में दी गई है। यहाँ आर्टिकल 368 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 368 में आपका संविधान संशोधन दिया गया है। संविधान आपका क्या है, संविधान संशोधन के विषय में बताया गया कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी, कि प्रक्रिया के विषय में बताया गया, संविधान संशोधन के विषय में आपका बताया गया। अनुच्छेद 269 किसके विषय में बात करता है, तो अनुच्छेद 269 आपका करों के विभाजन की बात करता है, करों के आपका क्या है, करों के विभाजन की बात करता है, कि जो आपका केंद्र सरकार कर क्या करेगा, उगाहेगा, उसका विभाजन कैसे करेगा, तो करों के बंटवारों को लेकर के आपकी यह बात करता है। और इसी के साथ साथ आपका क्या दिया गया है, तो उसके कार्यों का बंटवारा भी आपका इसी में दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है, बताइए, आकर के उत्तर दीजिएगा, जल्दी से उत्तर दे दो, संविधान के किस प्राविधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही कोई कर एकत्रित किया जा सकता है, ना ही कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही कोई कर आपका क्या किया जा सकता है, एकत्रित किया जा सकता है। तो यह आपका किसमें बताया गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 में बताया गया है कि विधि के प्रावधान के बिना कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता और ना उस कर को आपका उगाहा जा सकता है। 266 आपका क्या है, तो यह आपको दिखाई दे जाएगा राज्य की विधानसभाएं, मतलब आपका संघ एवं राज्य की
संचित निधि, संचित आपकी क्या हो जाती है, निधि के विषय में आपको बताया गया। यह संविधान संशोधन की आपकी क्या हो जाती है, आर्टिकल है, और यह आपका किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे आपका वाद और परिवाद से संबंधित है। यहीं पर आपको 300A दिखाई देगा और यह किससे संबंधित है आपका, तो जो है आपका संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के आपका संपत्ति के अधिकार को, अधिकार को, अधिकार को क्या किया गया आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, के माध्यम से, माध्यम से कानूनी अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया, अधिकार आपका क्या कर देता है, बना दिया किसके माध्यम से, तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार आपका बना दिया या इसके माध्यम से, क्यों, तो ये पहले आपका मूल अधिकार था, बाद में इसे आपका क्या बना दिया गया, संपत्ति का अधिकार बना दिया गया। तो चलिए आज के लिए क्या करते हैं, बस इतना ही, कल मिलेंगे, कल मिल करके इसके आगे की बात करेंगे। आप लोग होली के रंगों से रंगे रहेंगे, फिर भी हमारी मुलाकात होगी और मुलाकात करके हम आगे की बातें करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को होली के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, होली के रंग की तरह आपका जीवन भी जगमगाता रहे, आप अपने जीवन में अच्छा करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपके जीवन में जो है रंगों का क्या हो जाए, अंबार लग जाए। धन्यवाद, थैंक यू।